क्या आपको भी किसी अनजान शख्स से बात करने में हेजिटेशन फील होती है? क्या आपको भी डर लगता है किसी अनजान शख्स से, किसी अनजान इंसान से बात करने में? तो ये वीडियो आपके लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। कि जब भी किसी स्ट्रेंजर, किसी भी अनजान इंसान से अगर आप बात स्टार्ट करते हैं, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, आपके फेस पे स्माइल और एक मतलब नॉर्मली रीज़न, वहाँ पर आपको मतलब एकदम ज़्यादा इंटरेस्ट आपको शो नहीं करना है, लाइक कि मैं आपसे पर कुछ और ही रीज़न है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यू हैव टू बी लाइक अ जेंटलमैन, वहाँ पर आपको एक थोड़ा प्रोफेशनली तरीके से ट्रीट करना है और बात को स्टार्ट करना है। अगर आपको बात को वहाँ पर लाइक आपको लग रहा है कि मैंने बात को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो वहाँ पर आप सामने वाले शख्स से इस तरीके की बात करें, जो आंसर सामने वाला शख्स अगर करेगा तो वो थोड़ा डिटेल में आंसर आए, यस नो ओके में आंसर अगर सामने वाला शख्स आपको देगा, तो जाहिर सी बात है आपकी जो कन्वर्जेशन है वो वहीं पे फिनिश हो जाएगी, वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा माइंड में रखना है, लाइक पोलाइट वे, जब भी आप किसी शख्स से, किसी भी नए इंसान से, अनजान इंसान से बात करते हैं, तो वहाँ पर यू हैव टू बी पोलाइट, वहाँ पर आपको पोलाइटली बात करनी है, और वहाँ पर आपको कुछ भी ऐसी बातें नहीं करनी है जो सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं। सेकंड टाइम अगर आप मिल रहे हैं तो आपको ज़्यादा ओपन वहाँ पर नहीं होना है, यू हैव टू बी पोलाइट, वहाँ पर आपको पोलाइट वे में नॉर्मली बातें करनी है, रिगार्ड्स लाइक आपकी जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके मेमोरेबल मोमेंट हैं वो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो बिहेवियर रखना है अपना, वो एक मतलब लाइक एज अ प्रोफेशनली आपको बिहेव करना है सामने वाले पर्सन के साथ, ताकि वो उस चीज़ को प्रेफर करें और जो मोमेंट है वो लाइक मेमोरेबल मोमेंट बन जाए। अब थर्ड पॉइंट होता है, सामने वाला शख्स हमें जब कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, आपको एक अच्छा लिसनर वहाँ पर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सामने वाले पर्सन से आप मिल रहे हैं, तो वहाँ पर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। जो सामने वाला शख्स आपको कुछ मतलब लाइक आपसे बात कर रहा है, तो वहाँ पर आपका जो कॉन्सेंट्रेट है, आप उन्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उन्हें अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, तो वो सामने वाले शख्स को, सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको एक लिसनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। वहाँ पर आपने ऐसा नहीं करना है लाइक कि अपनी सारी स्टोरियाँ बना, लाइक अपनी पर्सनल चीज़ें सारी उठाकर वहाँ पर आपको लाइक सुनने की जगह आप बताने वहाँ पर बैठ जाएंगे, तो सामने वाला जो शख्स है, सामने वाला जो इंसान है, वो उस चीज़ को ऑकवर्ड फील करता है। तो आपको ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखनी है। फोर्थ पॉइंट आपको माइंड में रखना है, गिव हॉनेस्ट कॉम्प्लीमेंट। वहाँ पर जो आपने कॉम्प्लीमेंट देना है, वो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट आपने देना है सामने वाले इंसान को, क्योंकि आपने लाइक वहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, लाइक जिस चीज़ के आप रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं लाइक कि आपका वे ऑफ टॉकिंग काफ़ी अच्छा है, उस चीज़ में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी वो चीज़ आप बता सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, एक हॉनेस्टली मतलब कॉम्प्लीमेंट है वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। पर जो बिहेव करना है वो एक अच्छे तरीके से आपने ट्रीट करना है सामने वाले पर्सन को, ताकि जो आप बात कर रहे हैं वो एक अच्छी मेमोरी उनके माइंड में बन जाए।